अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली से जितने भी लोग दूर खड़े हैं मेरी उन सबसे गुजारिश है एक बार प्लीज आप यहाँ सामने आके सेटल हो जाइए। नाटक लेके आए हैं आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ, कोई बहुत दूर की बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, सिंपल सी बातें, रोजमर्रा की जिंदगी की बात है जो हम सड़कों पर एक्सपीरियंस करते हैं, घरों में एक्सपीरियंस करते हैं उसकी बात है। नाटक का नाम है दस्तक। महिलाओं के खिलाफ जो छेड़खानी होती है सड़कों पर, घरों में जो हिंसा होती है, सड़क पे मारपीट हो, एसिड अटैक्स हो, यौन हिंसा हो, उन सबके खिलाफ नाटक एक दस्तक देता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जहां कहीं भी हो सामने आए और सेटल हो जाए। नाटक वाले जन्नत की सैर कराता हूँ। पाप कसम, क्या आइटम है यार,
मारने की जान टोटा भाई है भी तो मॉडल का मैडम अब होगा का अब दो में यार हुरियत का तो या तीखी मिर्ची ऊपर से लेकर नीचे तक आग लगा दी ओए हाँ मेरी बिल्ला रानी क्या करूं मसाला यार चढ़ती जवान है क्या फिगर है जाने मान राजा 36 24 36 ये दिन ना होता बेचारा कदम ना होते मोरी बिटिया उम्र में क्या रखा है अभी तो मैं जवान हूँ घर में माँ बहने क्या दे रहे अजी घर में एक माँ और दो बहने हैं लेकिन अपने घर की माँ और बहनों को कोई छेड़ता छेड़ता ना जी ना छेड़ता भाई ना 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 आज तो हम इसे क्या क्या छेड़ेंगे हद होती है बदतमीजी की इट्स टू मच मैडम जी आप तो ब्राह्मण गई भाई कलम मसाला ही तो कहा है और आप वो भी तो अगर आप परेशान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी ब्रह्मा तुम हमने कौन सा अपराध कर दिया भाई है? आप तो हो इतनी खूबसूरत अरे क्या भाइयों मैडम जी है भी तो अरदान शर्म तो आवे क्या मस्करी करन में अरे छाली आवे तो है घड़ी शर्म आवे पर तड़ा देख के चली जा अरे मैडम हम पढ़े लिखों के दिल के पत्थर के होते हैं बिहेव योरसेल्फ यू बास्टर्ड ओ तेरी भाई मैडम ने तो अंग्रेजी की टांग ही तोड़ दी एक मिनट आई लव यू टू जी सड़क हो या ऑफिस बस हो या मेट्रो कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है अब्यूज करने वाले कोई अलग से नहीं आते हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक मायके से लेकर ससुराल तक स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक हर जगह लड़कियों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देना क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या होगा कि उन्हें पैदा ही ना होने दें तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है वो अभिशाप है तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है वो अभिशाप है तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है वो अभिशाप है देखो मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है कि मुझे और मेरे घर वालों को ये बच्ची नहीं चाहिए तुम आज ही हॉस्पिटल जाओ और इस बच्ची को गिरा गिराओ नहीं मैं अपनी बच्ची नहीं गिराऊंगी बच्ची नहीं गिराऊंगी तुम अपने पति की बात नहीं मानोगी तो लाओ इसे मैं ही खत्म कर देता हूँ
को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता हो। ऐसा समाज जहां लड़कियों के साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता हो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मायके में, ससुराल में, घरों में, ऑफिसेस में, ऐसा समाज जहां लड़कियों को दहेज के नाम पर डराया जाता हो, जलाया जाता हो, उन्हें मार दिया जाता हो, ऐसा समाज जहां लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। चटनी जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रानी, ओए राने, ओए राने। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत किया करो। तो मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है, तुम हो इतनी खूबसूरत कि मुझसे नहीं रहा जाता। देखो मैंने तुम्हें पहले भी कई बार इग्नोर किया है और अब मेरी शादी होने वाली है। अगर आप परेशान किया तो तुम्हारी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा तक जाने की क्या जरूरत है? मेरी शादी होने वाली है ना, शादी मुबारक हो। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। न्यू फोन?
अच्छा ले ले भैया, अच्छा सुन, तुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है ना? हाँ भैया। देख आज मैं तेरे लिए छोटा वाला फोन लेके आया हूँ, कल बड़ा वाला टैब लेके आऊंगा, साथ में गेम्स खेलेंगे, ठीक है? आजा लेके ना, खेलेंगे ना, छोटी हो चुकी है। हम सब रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं और भूल जाते हैं। हर घंटे ना जाने कितने ही रेप के केसेस और कितने ही मोलेस्टेशन के केसेस रजिस्टर होते हैं। 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत के साथ रेप होता है। इन सब का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या फिर हम और आप सब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है, पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। उसके बाद वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए, तब मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं बचा था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधियों का हौसला बुलंद करती है, ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़ के कुछ कहने की, आवाज उठाने की, रिएक्ट करने की, एक्शन लेने की। अगर आपकी बहन या दोस्त या कोई भी कॉलेज, घर के आसपास या कोई भी लड़की किसी भी रिलेटिव या पड़ोसी के बारे में आपसे शिकायत करती है, तो उसकी बात को सुनिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसे नजरअंदाज मत करिए। फिजिकली अब्यूज करने वाले लोग कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो होते हमारे और आपके आसपास रहने वाले लोग। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपका भाई भी। एक बात हमेशा याद रखें कि अपराध सहने वाला और अपराध को देखकर भी चुप रहने वाला अपने आप में कानूनी और सामाजिक अपराधी है। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, घर, ऑफिस, स्कूल, यहाँ तक कि कॉलेज के कैंपस में अगर आपको लगता है कोई भी इंसान किसी से मजे लेने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह की हिंसा, यौन हिंसा, कोई घरेलू हिंसा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मत सोचिए कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा। आगे बढ़ के आवाज़ उठाइए, एक्शन लीजिए, पुलिस की और स्थानीय लोगों की मदद लीजिए, उनके मामले में दखल दीजिए और समाज के बंद दरवाजे पर एक दस्तक दीजिए। एक नारा आप सबने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी। हमें लगता है इससे थोड़ा आगे बढ़ के बात करने की जरूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाओ। अगर बेटे समझ गए तो बेटियां बच भी जाएंगी और बेटियां पढ़ भी जाएंगी। एक लड़की जब पढ़ लिख लेती है तो ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी होती है, अपने माँ बाप का सहारा बनती है, बल्कि समाज की स्थिति भी बेहतर करती है। एक सवाल है मेरा आप सबसे, हमें आजादी कब मिली थी? कब मिली थी हमें अंग्रेजों से आजादी? 1947। वो आजादी सिर्फ मर्दों को मिली थी क्या? तो फिर मर्द कौन होते हैं?
ये कहने वाले कि हम तुझे आजादी दे देंगे जो औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले। हम अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी छोटी बहनों को सब कुछ सिखाते हैं कि दुपट्टा कैसे लेना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती कर, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कर। यहां से जा, वहां से मत जा। अंधेरा होने से पहले घर पे आ जा। ये कर, वो मत कर, ऐसे उठ वैसे बैठ, यहां जा वहां जा। पर हम अपने घरों में अपने बेटों को और अपने भाइयों को क्यों नहीं सिखाते कि जब वो घर से बाहर निकले तो समाज में लड़कियों को इज्जत, सम्मान, आजादी और बराबरी कैसे देनी चाहिए। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। अपनी आंख और कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। याद रखिए, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब, जो सब कुछ जानते और समझते हुए भी अपनी आंख और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि कोर्ट और कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी सब बच निकलता है और इससे उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब लोग मिलकर समाज में लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें क्यों जरूरत पड़ती है दामनी जैसे केसेस की, कठुआ जैसे केसेस की अपनी आवाज को उठाने के लिए? क्यों हम चुप रह जाते हैं? हम क्यों नहीं ऐसा माहौल बनाते अपने समाज में कि लड़कियों को छेड़ने के बारे में सोचना ही गुनाह हो? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर। आप सब दस्तक दें, हम सब नाटक के माध्यम से दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं और ये दस्तक आखिरी दस्तक हो कि नाउ इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है कि एक और बच्ची का बलात्कार, मंजूर है मंजूर नहीं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, हमारे कारोबार को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार, हमारे कारोबार को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। हेलो, हेलो, नमस्कार। ये नाटक अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली की प्रस्तुति थी जिसका नाम था दस्तक, और इस नाटक के लेखक और निर्देशक हैं श्री अरविंद गौर सर। आपको क्या लगता है जो बात, जो मुद्दा मैं उठाया, वो सही है या गलत? सही है या गलत? सही है। इस मुद्दे में बातचीत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कौन करेगा बातचीत? कोई भी कुछ भी कहना चाहता है इस नाटक को देखने के बाद, मन में कोई सवाल उठा हो, मैं समझ सकता हूँ इस नाटक के देखने के बाद शायद ही किसी इंसान के मुंह से कुछ शब्द निकले, पर फिर भी कोई भी कुछ भी अनुभव शेयर करना चाहता है, कोई भी कुछ भी कहना चाह सकता है। हमारे पास 5 मिनट है बातचीत, नाटक अब शुरू होगा, नाटक यहाँ खत्म नहीं होता, नाटक अब शुरू होगा जब आप लोग इस मुद्दे पर बातचीत करना शुरू करेंगे, तब यह नाटक आगे बढ़ेगा। आप ये मत सोचिए आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माइक आप तक लाएंगे प्लीज, लेकिन बोले कोई भी,
कोई भी कुछ भी कह सकता है। जी जी सर, किसी भी इवेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब तालियां बहुत सारी बजती हैं, लेकिन जब एक इवेंट होने के बाद में सन्नाटा हो जाए तो आई गेस आपका काम सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ मौजूद जितने लोग हैं, यस प्लीज कैन समवन टेक द माइक टुवर्ड्स दैट साइड सर प्लीज। जैसे यहाँ पे सब लोग मिले और एक आवाज बहुत ऊंची गूंजी, इस समाज में हम सबको चाहिए कि आपस में मिले जुड़े और ये आवाज ऊंची करें, चुप ना रहे। मेरे ख्याल से चुप्पी रखना एक पाप है अपने प्रति, अपने बगल वाले के प्रति और इस समाज के प्रति। बहुत 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 बढ़िया नाटक था, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल समाज का चेहरा सामने था, अरविंद गौड़ जी का क्या कहना, और आप लोगों की बहुत ही बेहद एब्सोल्युटली वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो वेरी मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, अमेजिंग परफॉर्मेंस। एंड आई थिंक एवरीबॉडी सी, ये जो मेहनत है, ये जो इतने लोग हैं जो कहीं मिलके एक आवाज़ उठा रहे हैं, एक मुद्दा उठा रहे हैं, कहीं पे हम लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जागृति बहुत ज़रूरी है। एक ऑप्शन ये है कि सब घर जाके ये भूल जाए, राइट, और दूसरा ये है कि इसको थोड़ा सा याद रखें, डेली जिंदगी में इसको प्रयोग में लाएं। अगर किसी बस में जा रहे हैं, कहीं देखें कि किसी महिला के साथ कहीं भी किसी भी तरह की अनुचित बात हो रही है, अगर मर्द हैं और 56 इंच का सीना नहीं भी है तो खड़े होइए, आवाज़ उठाइए, सपोर्ट कीजिए। आप ही की बहन है, किसी और की बहन नहीं है। और मैं कम से कम पर्सनली ये वादा करता हूँ कि अगर कहीं भी कुछ अनुचित देखूंगा, आई विल स्टैंड अप टू इट, आई विल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप भी कुछ कहना चाहें मैम? अच्छा, ये नाटक हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं, दिल्ली और पूरे भारत में कर रहे हैं। अगर आपको लगता है इस नाटक की सच में दिल्ली और उसके आसपास किसी भी चौक चौराहे, गली मोहल्ले, नुक्कड़, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी इस नाटक की हल्की सी भी आपको जरूरत लगती है, अब हमारे अभी एक्टर्स अभिनेता आपके साथ पास आएंगे, आप इनसे फीडबैक ले सकते हैं, इनको फीडबैक दे सकते हैं नाटक के बारे में, और हमारे नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, हम आएंगे नाटक करेंगे। आगे विपुल, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं शालिनी कश्यप मैम का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और आप लोगों के बीच में नाटक करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बात आपने कही कि हम में से कभी कोई चाहे कि किसी जगह पे ये नाटक हो और आप करें, तो फ्रैंकली मेरे ख्याल से इस नाटक का सबसे बड़ा एम ये होना चाहिए कि हम में से कभी किसी को ज़रूरत महसूस ना हो कि ऐसा नाटक हो। एग्जैक्टली, बस हम भी यही चाहते हैं मैम। थैंक यू सो मच, एक एक इवेंट आपका, एक एक टॉपिक जो था, जो आपने छेड़ा था, मेरे ख्याल से कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे शायद लोग एक झलक देख नहीं पा रहे थे। लॉट ऑफ पीपल वर देयर हु क्लोज देयर आइज बिकॉज इट वॉज डिस्टर्बिंग एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस, सो हैट्स ऑफ टू यू पीपल। हर रोज जो होता है न्यूज़पेपर में देखते हैं, बस वही चीज हमें मजबूर कर देती है नाटक करने के लिए, नहीं तो हम भी चाहते हैं कि नाटक बंद कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका नाटक बंद नहीं होना चाहिए, इसका टॉपिक बदलना चाहिए। एग्जैक्टली, हम कुछ और करेंगे। जी जी जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा नाटक देखा और अपना कीमती समय दिया। अभी हमारे एक्टर आपके पास आएंगे, हम जो फीडबैक देना चाहें दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।